कहते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट इज ऑल अबाउट ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। आपकी पर्सनैलिटी में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक बोर्ड बैठा है जिसका नाम है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जो पर्सनैलिटी है इसको हम किस पैरामीटर्स पे नाप रहे हैं? क्या 6 फिट बंदा, एक लड़का जिसकी हाइट 6 फिट है, गोरा चिट्टा है, जो बिल्कुल क्लीन शेव है, छोटे छोटे बाल है, उसकी पर्सनैलिटी, और एक कैंडिडेट जो 5 फुट 5 इंच का है, डस्की कलर का है, थोड़ी बहुत बियर्ड है उसके पास, उसकी पर्सनैलिटी में डिफरेंसेस है? क्या जो सुंदर दिखने वाला है जिसकी हाइट लंबी है, जो पतला दुबला है, वो एक अच्छी पर्सनैलिटी कैरी कर रहा है, और दूसरा जो थोड़ा हाइट में छोटा है, डस्की है, वो क्या खराब पर्सनैलिटी कैरी कर रहा है? क्या पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट योर फिजिकल ट्रेट्स? अक्सर हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हम सिर्फ एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि छोटे से बाल कटवा लो, जय हिंद कस के बोल लो, तो जी आपके अंदर वो पर्सनैलिटी अच्छी आ गई, वो फौजी अच्छे फौजी अफसर बनने की हुनर आपके अंदर आ गई, आपके अंदर वो क्वालिटीज आ गई। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी को गलत तरीके से लोग समझ लेते हैं। देखिए, इसको पहली बात तो ऐसा समझा जाए कि पर्सनैलिटी है क्या। पर्सनैलिटी जो है आपके पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर का एक कॉम्बिनेशन है जो कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है या विशेष बनाता है। आपके बेयरिंग्स, आपकी दाढ़ी, आपके रंग से कोई लेना नहीं, पार्ट ऑफ दैट। वो चलिए आउटलुक में आ गया, बेयरिंग होनी चाहिए, सेंस ऑफ बेयरिंग ठीक होनी चाहिए, वो क्यों होगी, कैसे होगी, वो भी एक वजह है, लेकिन पर्सनैलिटी को सिर्फ आउटलुक से देख लेना वो चीज सही नहीं है। पर्सनैलिटी इज समथिंग डिफरेंट, जिसको आप देखिए साधारण तरीके से समझने के लिए जो व्यूअर्स हैं उनको मैं एक चीज बताऊं कि एक साइकोलॉजिस्ट थे DW Fiske, 1949 में उन्होंने एक पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर बात की थी और वो बहुत प्रचलित है, Big 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। अच्छा जी, ओके, आप बताएंगे सर ये Big 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है हमें? हाँ बिल्कुल बता सकते हो। Big 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है? देखिए, 5 ऐसी जरूरी चीजें जो किसी इंसान के अंदर, जो इंसान को किसी और इंसान से अलग करता है, ये बड़े फैक्टर्स हैं, बड़े ट्रेट्स हैं पर्सनालिटी के। पहली चीज है एग्रीएबलनेस। अच्छा, है ना, सहमति, आपका रिलेशन दूसरों के साथ कैसा रहता है, ठीक है, कितने हेल्पफुल हैं, कितने काइंड हैं आप दूसरों के लिए, ये सब चीजें आ गई आपके एग्रीएबलनेस में। अच्छा, जो व्यक्ति, अब देखिए इसको दो तरीके से देखते हैं, अगर एग्रीएबलनेस किसी के अंदर हाई है जी, तो ऐसे व्यक्ति देखिए इनके सिम्टम्स क्या होंगे, वो थोड़ा दयालु होगा, एम्पैथेटिक होगा, हेल्पफुल होगा, केयरिंग होगा, है ना, ट्रस्टवर्दी होगा, तो ये है एग्रीएबलनेस की अच्छी पहचान। अब यही अगर एग्रीएबलनेस उसके अंदर लो दिखाई दे रही है, तो लो के भी सिम्टम्स हैं, लो व्यक्ति क्या करेगा, सेल्फिश होगा थोड़ा सा, है ना, स्टबर्न होगा, मैनिपुलेटिव होगा, ये थोड़ा सा सस्पिशियस, थोड़ा सा संशय वाला इंसान रह जाता है, ठीक है, लोगों की मदद नहीं करता है, तो इस तरीके के ये सिम्टम्स हो गए उसके। तो पहला फैक्टर जो है वो अग्रीएबलनेस, पहला ट्रेट अग्रीएबलनेस, द बिग फाइव जी, इनको ट्रेट्स बोलते हैं, ट्रेट्स। अच्छा ठीक है, दूसरा ट्रेट है इसमें कंसाइंशियसनेस। अब ये कंसाइंशियसनेस क्या है, कि हाउ थॉटफुल यू आर, आप के विचार कैसे है, कितना दिमाग आपका काम कर रहा है, कितना गोल ओरिएंटेड रहते हैं आप, ये आपका कंसाइंशियसनेस तय करता है, ठीक है। तो आप जो है अपने इंपल्सिस के ऊपर कैसे काबू पाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे काम कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें जो है ये आपके ट्रेट सेकेंड ट्रेट में आती हैं। अगर मान लीजिए किसी का कंसाइंशियसनेस हाई है तो उस व्यक्ति की क्या पहचान होगी, ऑप्टिमिस्टिक होगा, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा ये व्यक्ति, है ना, इमोशनली बैलेंस्ड रहेगा ये व्यक्ति, ठीक, गोल ड्रिवन होगा, काम करना जानता है ये, ठीक है, प्लानिंग अच्छी होगी ऐसे व्यक्ति की, तो ये एक अच्छे पहचान है। अब यही अगर कंसाइंशियसनेस लो हो गई किसी के अंदर, तब क्या होगा, तब वो थोड़ा सा ना
दबाव में जल्दी आ जाता होगा, थोड़ा सा खिचड़ी ज्यादा पक जाती होगी दिमाग में, विचार अलग अलग कंफ्यूज रहता होगा, मैसी रहता है, ठीक है, लेट हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड नहीं रह जाएगा बिल्कुल कोई, इस तरीके से काम जो आते हैं ये आ गए लो कंसाइंशियसनेस के अंदर। तीसरा ट्रेट जो होता है वो होता है एक्स्ट्रावर्जन, जिसको एक्स्ट्रावर्जन भी बोल देते हैं। तो ये एक्स्ट्रावर्जन क्या है, आप जो है सोशली कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, कितने एक्स्ट्रोवर्ट है, कितने एक्स्ट्रोवर्ट है, है ना। तो अगर कोई हाई, किसी का एक्स्ट्रोवर्जन जो है थोड़ा सा हाई दिखेगा किसी के अंदर, घुले मिलेगा, हाँ जल्दी घुले मिलेगा, जल्दी दोस्त बना लेगा, ग्रुप वर्क को एंजॉय करेगा, है ना, बाहर निकलना चाहेगा। तो इस प्रकार के जो लोग होंगे इनका ये एक्स्ट्रावर्जन थोड़ा सा हाई होगा। जिनका एक्स्ट्रावर्जन लो होगा वो थोड़े रिजर्व्ड होंगे, थोड़े से लोगों से बात करना नहीं पसंद करते हैं, खुद से आगे बढ़ करके, है ना, गुमसुम एकांत में रहने में के, बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझ गया, समझ गया, है ना। अब फिर चौथा ट्रेड जो आता है वो होता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म क्या है, ये है इमोशनल स्टेबिलिटी किसी इंसान की, कि कितना ये इमोशनली बैलेंस्ड रहता है या इमोशनली इम्बैलेंस्ड इंसान है, है ना। ये देखिए यहां पर उल्टा हो जाता है, यहां पर अगर किसी का न्यूरोटिसिज्म हाई है, ये निगेटिव चीज है, तो हाई का मतलब निगेटिव होगा यहां पर। तो यहां पर जैसे किसी का न्यूरोटिसिज्म हाई है तो वो क्या है, इनसिक्योर फील करेगा हमेशा, डर डर के काम करेगा, जल्दी स्ट्रेस ले लिया करेगा, जरूरत से ज्यादा सोचेगा ये इंसान। और अगर इसका जो न्यूरोटिसिज्म लो है तो वो ठीक है, तो वहां पर क्या है, खुश रहेगा, रिलैक्स रहेगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, है ना, तो फ्रीली ये काम कर सकता है। और पांचवा ट्रेट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब आप कितने क्रिएटिव हैं, क्या नया नया एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं, कितना सीखने की इच्छा है, कितनी क्यूरियोसिटी हाई है आपकी, ठीक है। तो ये पांचवा ट्रेट है इसमें जो है, जो पांच ट्रेड्स हैं, सॉरी आप बताइए सर, अगर ये मान लीजिए किसी का जो है हाई दिख रहा है, अगर ठीक है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस अगर किसी के अंदर हाई है तो इसका देखिए क्या है, नई चीजें सीखेगा, नई नई हॉबीज सीखेगा, बनाएगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, घबराएगा नहीं नए टास्क से, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा। और अगर ये लो है तो फिर वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, नई चीजों से बचता है, ये ट्रेडिशनल थॉट्स पे ही चलना चाहता है, जो बन गया उस पे ही, नया कुछ आ नहीं सकता इसके दिमाग में, नई चीजें करने से ये डरता है। तो ये इसके साइंस हो गए, सिम्टम्स पांचों ट्रेड्स के। सर ये जो पांच ट्रेड्स हैं इसी में 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज छुपी हैं, लगभग लगभग पर्सनैलिटी ट्रेड्स में अगर आप देखेंगे तो सारी जो क्वालिटीज हैं OLQs, वो इसी बिग फाइव के आसपास ही बनाई गई है। सर एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ जी, आप GTO एक्सपर्ट हैं, आप साइकोलॉजी में इतनी रुचि कैसे रखते हैं? सर इंटरेस्ट है बिल्कुल, और मैं अप्लाइड साइकोलॉजी का मेंबर भी हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी का। अच्छा, तो मुझे बिल्कुल इसमें मजा आता है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अगर आपके पास लेक्चर लेने को मिले एक GTO का और एक साइकोलॉजी क्लास का, तो आप किसको ज्यादा एंजॉय करेंगे? अब ये तो आपने ऐसे पूछ लिया कि दोनों आंखों में से कौन सी आंख आपको ज्यादा पसंद है। मुझे दोनों ही चीजें पसंद है सर, और बहुत ज्यादा पसंद है। मैं वो काम जो है ना, जिसको मैं एंजॉय करता हूँ, उसको पूरी शिद्दत से करना चाहता हूँ कि मैं अपने काम को एंजॉय करूं, चाहे ग्राउंड पर हो, चाहे PGT हो, चाहे वो TAT हो, चाहे WAT। तभी 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 एस्पिरेंट्स जो है वो अब कहते हैं कि सर को GTO एक्सपर्ट मत बोला करिए, SSB एक्सपर्ट बोला करिए। थैंक यू सो मच सर, ये पांच पर्सनालिटी ट्रेट्स, द बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स, शायद अब हमें, मुझे, एस्पिरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग होगी कि आखिर पर्सनालिटी है क्या, पर्सनालिटी क्या, ये पांच ट्रेट्स हैं पर्सनालिटी, ऐसे बोल सकते हैं। और इन पांच ट्रेट्स में छुपी है ऑफिसर लाइक क्वालिटी, और इन पांच ट्रेट्स में है पूरा 5 दिन का SSB प्रोसीजर, बोल सकते हैं सर यही? हाँ लगभग, अगर ये चीजें अच्छी हैं किसी के अंदर तो उसका व्यक्तित्व तो अच्छा है, और फिर हम कहते हैं हमेशा SSB इज टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। थैंक यू सर, थैंक यू। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। हर पहले के जमाने में दो प्रकार के लोग होते थे, एक ये जो कहते थे सब कुछ भगवान की वजह से, खुदा की वजह से, और एक ये जो बोलते थे कि हर चीज के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है।
आजकल एसएसबी एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन ढूंढने लग गए हैं, और आजकल की वीडियो में आपको टेक्निकल टर्म्स का उपयोग ज्यादा दिखेगा। एस्पिरेंट्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसी नई एक्साइटिंग वीडियोस जरूर मिलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।